हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में चयन होने पर कुमारी पैंपो का स्वागत। बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना निवासी कुमारी पैंपो सुपुत्री भीकाराम प्रजापत का ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में भारत भर से पांचवें रैंक के साथ चयन होने पर स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डुगरपुरी मठ समारोह में प्रजापत समाज के लोगों एवं प्रशासनिक अधिकारियों व पत्रकारों द्वारा कुमारी पैंपो का शॉल साफा व मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मदन माहेश्वरी ने भी कुमारी पैंपो का शॉल उड़ाकर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। ज्ञात रहे स्कॉलरशिप के लिए पूरे भारतवर्ष से 20 जनों का दक्षिण कोरिया के ईवा वुमेन यूनिवर्सिटी ने सिलेक्शन हुआ, जिसमें कुमारी पैंपो प्रजापत ने पांचवा स्थान हासिल किया है। अब पैंपो को दक्षिण कोरिया के ईवा वुमेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं उसकी पढ़ाई से लेकर रहने खाने पीने तक का सारा खर्च दक्षिण कोरिया की सरकार उठाएगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कानाराम एनिया, राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा गेरो देवी प्रजापति, प्रजापति युवा शक्ति संगठन जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश प्रजापत, डिस्कॉम AEN प्रदीप चौधरी, हनुमान भक्त बसंत प्रजापत, महेंद्र देवासी, गणेश सेन, जोगेंद्र आचार्य सहित कई वरिष्ठ जन मौजूद थे। हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे कि मुझे कोरिया जाने का मुझे एक मौका मिला है, वैसे ही ये भी मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है कि इतनी दूर दराज से लोग आकर, इवन कि जो मेरे समाज के दूसरे समाज के लोगों ने आकर मुझे इस तरह का सम्मान दिया, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अभी मैं जिस स्कॉलरशिप के जरिए जा रही हूँ वो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जिसके तहत मुझे $14,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे और ये स्कॉलरशिप 3 साल की स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए मैंने दिन रात कड़ी मेहनत लगाई और इन सब में जिसका योगदान रहा है वो सर्वश्रेष्ठ योगदान है, वो है मेरे परिवार का और उसके बाद ये पूरे समाज के 36 कौम के धर्म के लोगों का सम्मान है। उन सबके सहयोग से, उन सबके सम्मान से, उन सबके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ बढ़ी हूँ, अदरवाइज मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।